गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं बीचेस के पास। पुणे के पास बहुत सारे बीचेस हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर इस बार जाया जाए, बहुत टाइम से हम गए नहीं थे। तो यहाँ पर मैं, पुनीत और पुनीत के फ्रेंड और उनकी फैमिली हमारे साथ गए थे। इनको आपने बहुत बार मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। ये क्यूट सी बेबी है आद्या। दे दो। अच्छा डांस ही तो करते हैं, उसके डांस की वीडियो बना। कौन है ये? अब बस छोड़ दिया। कौन है ये? तो जो रास्ता है ये टनल है, ये पुणे टू मुंबई जाने के रास्ते में भी आता है एक्सप्रेस हाईवे में। और जब आप लोनावला क्रॉस कर लेते हैं उसके साइड से एक रोड निकलती है जो आपको बीचेस की तरफ लेकर जाती है। तो अभी हम हैं टनल में। अभी हमारी कीशी जो है वो डांस एंजॉय कर रही है, मतलब सॉन्ग एंजॉय कर रही है डांस करते हुए। और उसे बहुत मज़ा आता है इस तरीके की ट्रैवलिंग में हम लोगों के साथ। नांची डांस करो पहले। बेचारी। इसे हम लोग बिस्किट देते नहीं हैं इसलिए बिस्किट देखकर पागल हो रही है कि मुझे बिस्किट खाना है। अभी ये सिर्फ 1.25 साल की है तो इसलिए बिस्किट हम देते नहीं हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर था और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ की वादियाँ, ग्रीनरी और मौसम। मुझे ये मौसम पागल कर देता है, इतना ज़्यादा पसंद है मुझे ये मौसम। सो अभी हमने हाफ रास्ता पर क्रॉस कर लिया था और बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ पर रुके हैं चाय और नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर ऐसी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स बनी होती हैं, ढाबा टाइप आप बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको भजिया, वड़ा पाव और चाय मिलती है। तो हम लोगों ने वड़ा पाव और चाय ऑर्डर की है और हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बहुत सारी और फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई थी और बेबी जो है उधर एक और बेबी को मिलने गई हुई हैं। तो ये हूँ मैं, ये था मेरा आज का आउटफिट। ये आपने देखा ही होगा टॉप मेरा मेरे अमेज़ॉन हॉल में। ये हल्का सा मुझे लूज़ है तो मैं इसे बहुत जल्दी टाइट करवाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल पहन लिया है। और काजल लगाया मैंने करीना कपूर की तरह, मुझे ये काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, जब कहीं जाती हूँ तभी लगाती हूँ। और यहाँ पर मैंने वड़ा पाव लिया है और हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं। रिचा जो है वड़ा पाव बना रही हैं हम सब के लिए। और ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट। सो अभी हम पहुँचे हैं अलीबाग और यहाँ पर वॉटर बहुत ज़्यादा
आप देख सकते हो यहाँ पर ऊँचे से भी लोग खड़े हैं और इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो था और बहुत ज़्यादा ऊँचे लग रही थी, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा सेफ नहीं लगा क्योंकि ऊपर तक आप देख सकते हैं सारा गीला लग रहा है। तो हमने सोचा कि बटर हमें खाली जाना चाहिए तो हमने सोचा कि आगे फिर निकलते हैं। और यहाँ पर हमने सनमन ढाबे पे खाना खाया था, थाली मंगवाई थी हम लोगों ने, और ये हूँ मैं, मेरी हालत आप देख सकते हैं क्या ही हो गई है। कहाँ पे अली बाग बोलते थे ना, सब बोलते थे, हर कोई बोलता था टीम में भी इधर उधर। क्या है, क्या है? कुछ नहीं, मतलब मेरे को देखना था है क्या भाई, जो इसमें बात मुझे लगता है अली बाग ऐसा होगा बड़ा शांत सा होगा, लोग कम होंगे वहाँ। इधर आ, काशिद सही है, करो ये तो बोल दे। खाना खाने के बाद हम लोग फिर से निकल गए और यहाँ पर इतने सारे लोटस थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और यहाँ पे भी मौसम देखिए और ये रोड साइड सी देखिए, ये व्यू तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी हम आगे जाकर रुकने वाले हैं, हम एक परफेक्ट प्लेस देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा सेफ़ हो क्योंकि बेबी भी साथ में है, डर लगता है, तो इसलिए हम अभी एक प्लेस देखते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पर गाड़ी रोकेंगे। ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे दिल कर रहा था यहीं पर गाड़ी रोकते, लेकिन बेबी की सेफ्टी के कारण हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकी, हम लोगों ने आगे जाकर रोकी थी। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, जो लोग यहाँ पर रहते होंगे शायद उन्हें इनकी वैल्यू नहीं मालूम होगी। क्या होती है ना एक चीज़ कि जहाँ पर हम जो चीज़ हमारे पास होती है वो दाल बराबर रह जाती है, तो वैसे ही वही हाल है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, और हम लोगों से पूछो जो इतनी दूर से आते हैं ये सब देखने के लिए। अभी हमने गाड़ी रोकी है और आप व्यू देख सकते हैं। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं काशिद बीच, यहाँ पर भी बहुत ही ऊंचा पानी जो है बहुत ज़्यादा फ्लो में था, बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे उससे बेटर था, इतना ज़्यादा रश नहीं था और दूसरा पानी भी थोड़ा सा नीचे लग रहा था। वैसे तो ये थोड़ा दूर रहता है लेकिन आजकल बारिशों के मौसम में ये थोड़ा आगे आ जाता है, वाटर फ्लो जो है वो थोड़ा आगे आ जाता है। और यहाँ पर शेक्स बने हुए हैं, बैठकर यहाँ पर चाय, भजिया और वड़ा पाव ही खा सकते हैं, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, इवन चिप्स भी नहीं मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लोग जो हैं वो नहा रहे हैं और हम लोग इंजॉय करने आए हैं, अभी हम चप्पल वप्पल उतार के उसके बाद जाने वाले हैं। चलो अरे यार चुप जाएगी, पानी में ले जाके अब इसका रिएक्शन देखना। ले चलो भाई।
ज्यादा इधर आ जाओ, बहुत तेज है पानी एकदम से। अरे पापा के पास नहीं जाना मुझे। अरे मिट्टी है इसके पैर। मेरे पैर पैर पानी में दिखा दो। वाटर फ्लो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा तेज़ है, और किशी तो इतना ज़्यादा डर रही है। उसका नाम आद्या है लेकिन हम उसे प्यार से किशी बुलाते हैं। तो किशी इतना ज़्यादा डर रही थी कि उसने तो रोना शुरू कर दिया, और उसे वैसे भी गंदगी पसंद नहीं है। जब उसके पैर गंदे होते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। पुनीत की ये देखिए पैर है, और बस के साथ साथ चल रही हूँ। वो कैमराज में तो आते नहीं हैं लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही कैप्चर कर लेती हूँ, ऐसे ही अपनी मेमोरीज़ बना लेती हूँ। कैमरा में भी उनको ऐसे ही शूट करना पड़ता है। ये रीचा खड़ी है और इधर पुनीत है, आगे सहरा और पीछे मैं हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें कैप्चर करना है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मेमोरीज़ कलेक्ट करना। पुनीत जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि किशी का मूड ठीक कर ले, उसे वो रोना बंद कर दे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गई है समुंदर देख के। और रिचा आप सबको हाय बोल रही हैं, और यहाँ पर सब पुनीत जो है वो पूरी मस्ती में, मस्ती के मूड में है। देखिए बहुत ही अच्छा दिन गया मेरा आज का, और यहाँ पर हम सब है, और बारिश जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। इन सबको लग रहा है मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सभी फैमिलीज़ कितनी मस्ती कर रही हैं, फैमिलीज़ फ्रेंड्स सब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और आप लहरें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ हैं। और वैसे भी मुझे और पुनीत को बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने देखा ही होगा। अगर आप मुझे पिछले चैनल से जानते हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम कितना ज़्यादा गोवा जाते हैं। और अब हम वापसी निकल गए थे शाम को 4:30 बजे, और रास्ते में हमें दिखा ईद का चांद, बहुत ही सुंदर बहुत ही परफेक्ट चांद निकला है। और हम अभी रास्ते में रुके हैं किनारा रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप कहीं नहीं जाते आसपास मुंबई या पुणे भी रहते हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। हॉर्स राइडिंग, कैमल राइड रहती है, फिश स्पा रहता है, और भी बहुत कुछ, लाइव म्यूज़िक चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, सॉर्ट ऑफ चौकी धानी की तरह है लेकिन उससे छोटा है। तो हमने यहाँ पर डिनर किया और रात को 10 बजे हम घर आ गए। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।